अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी। हाँ, बलोचिस्तान और सिंध के बाद पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बड़ा सैलाब आ चुका है, जिसकी वजह से तबाही हो चुकी है। तो सबसे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि पाकिस्तान के लिए दुआ करें, स्पेशल सिंध और बलोचिस्तान के लिए दुआ करें, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा जो सैलाब है वो इस साल आया है 2022 में, और सिंध में भी सबसे बड़ा सैलाब आया है। सिंध में पहले 2011 में भी आया था, 2006 में भी आया था, 1990 में भी आया था, 1996 में भी आया था, लेकिन ये जो 2022 का सैलाब है ये सबसे बड़ा और सबसे ख़तरनाक साबित हुआ है। दुनिया पाकिस्तान में कितने नुकसान हुए, कितने अफराद जान बहक हुए, तमाम तरह अपडेट आपको बताते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश करेंगे, आपने अभी तक आज़ाद मुश्ताक टी वी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग पाकिस्तान के लिए दुआएं करें। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में हलाकतें की तादाद ये है, बलोचिस्तान में 230, खैबर पख्तूनख्वा में 169, पंजाब में 164 और आज़ाद कश्मीर में 9 अफराद जान बहक हो चुके हैं। उसके अलावा जो है गलगत बल्तिस्तान में 37 और सिंध में तकरीबन 250-300 से ज़्यादा जान अफराद हो चुके हैं। कई लोग जो है अब बेघर हुए हैं, वो तफसील तमाम मेरे पास मौजूद है, लेकिन वीडियो मैंने छोटा बनाया है तो मैं छोटे से वीडियो में आपको नहीं बता सकता। तो इस वक्त बारिशों की जो सिस्टम है वो इस वक्त जो सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की सी बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिशें तो फ़िलहाल ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब जो है वो समुद्री तूफ़ान आने और समुद्री सैलाब आने का ख़तरा मौजूद है, क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। तो ये पानी सिंध में ज़्यादा आएगा तो अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाएगा। मज़ीद अपडेट आपको देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें।